उनका हुआ एक बच गए उनके, अभी तक ट्रीटमेंट नहीं हुआ उनका। वार्ड में पानी की व्यवस्था होनी चाहिए, पानी की व्यवस्था नहीं, आप मुझे बता सकते हो कहाँ पानी की व्यवस्था? और आप मेरे साथ चलो अंदर, बेडशीट भी मौजूद नहीं है, आप देख लो अंदर, मैं दिखाऊंगा, बेडशीट भी मौजूद नहीं है अंदर। बढ़ गया तो यहाँ पे जाता है, लेकिन तत्काल जिसकी लगाई है उसको बुलाओ और उसको भेजो, ये आता कार्रवाई करें फिर यहाँ पे इसलिए रोका वो हाँ तो करेंगे आठ मिनट जाना पड़ेगा। काम तो करवाना पड़ेगा, सरकार सबकी सुविधा दे रही है। क्या बात थी आपने? क्या बात थी बैंड नहीं यहाँ पे, मतलब अपने कोविड वार्ड में यहाँ पे पानी की व्यवस्था नहीं, एक तो ना तो पानी की और स्टाफ की भी व्यवस्था यहाँ ढंग से कल से मैं देख रहा हूँ नहीं है। कोई एक दो स्टाफ है वो जरूर काम कर रहे हैं, उसके अलावा यहाँ कोई भी ध्यान नहीं देता। ये बोलते उधर वार्ड है वहाँ करेंगे काम, अरे तो यहाँ तो करो भाई साहब काम, यहाँ तो हम नर्सिंग स्टाफ है तो हमारे पेशेंट को हम संभाल रहे हैं, कोई दिक्कत ये भी नर्सिंग स्टाफ है इसके पेशेंट को संभाल रहे हैं, ये डॉक्टर साहब है ये खुद अपने पेशेंट को संभाल रहे हैं और हम तीनों अपने अपने पेशेंट संभाल रहे हैं, बाकी कौन संभालेगा यहाँ पे? और आप देखो अभी बेडशीट तो देख लो एक बार, आप एक पे भी बेडशीट नहीं है, आप अंदर चलो पानी की पानी नहीं है, कुछ भी पानी नहीं है अंदर, देखो आप पानी की सुविधा नहीं है, कोविड वार्ड में पानी सुविधा होनी चाहिए, पानी की तो बहुत दूर लैट्रिन के अंदर वो भी नहीं है पानी की, क्या अंदर देखो, अंदर देखो हवा के देखो बाढ़ की हालत, देखो निकाल के चूहे डाल रहे हैं, देखो गंगापुर के हॉस्पिटलों की। और जो मैं ये बिल्कुल नर्सिंग स्टाफ है खुद अपना काम खुद कर रहे हैं, ना पानी की व्यवस्था है, नर्सिंग स्टाफ से बोली थी हमको कचरे हटाने की, वो हटा लो कचरे में डाल, जब हम दिया जब हम दिया उसने हमको डिस्पोजल तो हटा लो फेंक दो कचरे में, और मरीज कहाँ जाएगा भाई साहब फेंकने, किस बात की पेमेंट लेना है सर? यहाँ मतलब दो स्टाफ से कुछ नहीं होता है, अगर इतने पेशेंट है तो कम से कम तीन या चार स्टाफ तो कम से कम होने चाहिए, 40 पेशेंट इनके अंडर में दो स्टाफ लगा रखे हैं तो उनसे क्या काम होगा सर? हम भी जानते हैं इस बात को, नर्सिंग स्टाफ तो कम से कम ज्यादा स्टाफ हो मॉर्निंग में, सर मॉर्निंग में कम से कम चार का स्टाफ होना चाहिए मॉर्निंग में, इनका भी हम कर रहे हैं, देखो ये देखो इनसे बात करो, आप ये पेशेंट है मानवता के हिसाब से कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप बताओ? ये हमारे बगल वाले मरीज का अटेंडेंट है सर, तो ये हमारी तीमारदारी, ये बेचारे दोनों तीनों भाई जो कर रहे हैं कुछ स्टाफ से कहीं थे एक से डिस्पोजल हटा दीजिए गंदा, तो उसने कि बाहर फेंक दो जाके, ये इन्होंने हटाया तो बेचारे ने, तो इन लोगों का कहना है कि यहाँ पर ना तो पानी की सुविधा है और ना ही बेड सीट वगैरह का इंतजाम है, और स्टाफ की भी काफ़ी कमी बता रहे हैं लोग, और अभी इन्होंने अभी प्रशासन अधिकारियों से भी बात की है तो उन्होंने आश्वासन दिया है।